हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरबेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरबेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरबेश आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल। दोस्तों, घर घर के रसोई में इस्तेमाल होने वाला अदरक के औषधीय गुण के बारे में आप सभी को पता होगा। सर्दी, जुखाम, बुखार, गले में खराश, गला दर्द जैसे मौसमी बीमारी में अदरक का जबरदस्त दोस्तों उपयोग होती है और इससे लाभ भी होती है। इस तरह की समस्या बीमारी को दूर करने के लिए अदरक का चाय या फिर काढ़े में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, अदरक हमारे कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप जैसे सरदर्द बढ़ाने वाली बीमारियों को भी दूर करने में मददगार होता है। जी हाँ, अदरक का इस्तेमाल से बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के स्तर को सामान्य किया जा सकता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा भी दोस्तों कम किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक है HDL और एक है LDL। HDL कोलेस्ट्रॉल का स्तर अधिक होना शरीर के लिए अच्छा होता है और LDL यानी बुरी कोलेस्ट्रॉल जिसका शरीर में बढ़ना हमारे लिए दोस्तों खतरे की घंटी होता है। जब बुरे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है तो धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और धमनियां इस कोलेस्ट्रॉल से अवरोध हो जाता है, जिससे रक्त प्रवाह में बाधा सृष्टि होती है। इस तरह के कोलेस्ट्रॉल मरीजों में हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ा देती है। आजकल के समय में लोगों में शारीरिक कसरत की कमी होने लगी है, लोगों में योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन आदि के अभ्यास बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा खान पीन में कोई भी संयमता नहीं है, किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, जिसके कारण से बहुत ही बुरी तरह का असर आपके शरीर में पड़ने लगता है, जिसके कारण बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ना शुरू होता है। इसलिए हमें अपने शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम कर अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ानी चाहिए। इसके लिए अदरक काफ़ी असरदार साबित हुआ है। अगर आपको हार्ट संबंधी कोई भी बीमारी है या होने की संभावना लग रही है, या फिर ऐसा ही अगर आप अपने हार्ट को स्वस्थ रखना चाहते हो, तो अदरक का इस्तेमाल दोस्तों ज़रूर करें। इसके लिए आपको रोज़ाना सुबह खाली पेट अदरक का जूस का सेवन करना चाहिए। अगर आपको पेट में जलन या फिर पेट संबंधी परेशानी नहीं हो रही है, तो अदरक का इस्तेमाल आप बेझिझक करिए। दिन में दो बार या तीन बार तक आप अदरक का सेवन कर सकते हो। करना क्या है दोस्तों, एक इंच अदरक को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लें, फिर उसे निचोड़कर 10-15 ml रस निकालें और इसमें 20 से 25 गुना पानी दोस्तों मिलाएं। इसका मतलब है एक ग्लास के आसपास आपको पीना है, जिसमें 10 से 15 ml आपका अदरक का रस रहेगा और बाकी सारा पानी रहेगा। इसी तरह जैसे एक बार आप ब्रेकफास्ट के बाद ले लें या फिर ब्रेकफास्ट के पहले ले लें। अगर कोलेस्ट्रॉल आपको कम करनी है तो सुबह सुबह आपको खाली पेट लेना पड़ेगा और दोपहर के लंच के बाद ले लीजिए। डिनर के बाद जो आप इस्तेमाल करोगे वो आप गुनगुने हालत में ले लो। दोपहर में लंच के बाद जो आप लोगे वो आप नॉर्मल पानी में ही आप लीजिएगा। सुबह खाली पेट लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल कम होने में दोस्तों इजी रहेगा। तो तीन तरीके से इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, एक चीज याद रखो, कोई भी चीजें आप अभ्यास करते हो जो आपको सूट करता है वही आदत डालनी चाहिए। अलग अलग टिप्स मैं आपको हमेशा देता हूँ। बहुत सारा और भी, जैसे कहते हैं ना, हजारों टिप्स मैं अपनी किताब में दे रखा हूँ, तो किताब का इस्तेमाल जरूर करें। माई हेल्थ इन माई हैंड किताब आपके पास हमेशा हो, ऐसा मेरी एक ख्वाहिश है। और जो लोग उसको नहीं ले पाते हो, नहीं खरीद पाते हो, तो वो अपना इस तरीके का वीडियो को देख के भी इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, तो आपको दोस्तों लाभ होना तय है। अदरक का जूस आपको दोस्तों मोटापा से भी बचाएगा, यानी मोटापा घटाने में भी ये मददगार है। इसके साथ साथ जो जोड़ों का दर्द है, जिनको नसों में तकलीफ है, उनके लिए भी दोस्तों ये एक रामबाण उपाय है। इस्तेमाल करोगे दोस्तों तभी इसका लाभ जान पाओगे। तो आज से अभी से शुरू कर लीजिए, क्योंकि आपके किचन में पड़ा है, बस लाइए और पीना शुरू करिए। उम्मीद करता हूँ अच्छा काम आप करते रहोगे और जीवन में किसी ना किसी को हेल्प करो, पौधा लगाओ और अपने आप को पॉजिटिव रखो, मेडिटेशन करो, थोड़ा सा समय अपने लिए दो, जिससे आपका सेहत अच्छा रहेगा। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको हेल्प करने के लिए, आप भी अपने आप को हेल्प करिए, जिसका लाभ आपको दोस्तों हो पाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।